नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एटीजेड। जनपद उन्नाव से इस वक्त की खबर। सर्दी में किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष अमर सिंह लोधी ने बांटे कंबल। सर्दी ने लोगों का जीना हलकान किया हुआ है, सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। किसान कटकटाती ठंड में अपनी फसल को किस प्रकार से बचाता है, इसकी वानगी उन्नाव जनपद की पूर्वा विधानसभा की धरती में आकर देखा जाए तो पता चलता है कि किसान की फसल कितनी बामुश्किल से तैयार होती है। रात भर डंडा लिए सांड के पीछे दौड़ता किसान ऊपर से कुदरत की भयानक शीत लहर के बीच में अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी फसल को बचाने का काम करता है। अपने किसान भाइयों की बेबसी को किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष से देखा ना गया तो उन्होंने हजारों की तादाद में किसान और बुजुर्ग महिलाओं को कंबल वितरित कर उनको ठंड से बचने के लिए बहुतायत मात्रा में कंबल वितरित किए। श्री अमर सिंह लोधी मंडल अध्यक्ष किसान यूनियन ने पत्रकार को बताया है कि सर्दी के मौसम में किसानों की पीड़ा सरकार तो सुन नहीं रही है, उसके दुख दर्द को कम करने के उद्देश्य से यह बृहद रूप में कंबल वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज पूर्वा विधानसभा के सुबह खेड़ा के पास किसान यूनियन के बने कार्यालय में हजारों की संख्या में असहाय मजदूर किसानों और मजदूरों को कंबल वितरित किया गया। समाचार रेडियो चैट के लिए उन्नाव से मनीषा यादव की रिपोर्ट। अगर यहाँ रहोगे तो किसानों के हिसाब से रहोगे, वो चाहे कोतवाल हो, चाहे क्षेत्राधिकारी हो, चाहे ज्यादा रहो। आप लोग खाना पाना सब ठीक काम कर रहा आप लोगों को अनारकली। जी आज की जो मीटिंग चल रही है किसान उनकी है, इसके बारे में जो है आपसे हम जानकारी लेना चाहते हैं। नहीं, मीटिंग कुछ नहीं है, जरूरतमंदों की सेवा है। हम लोग तो जरूरतमंदों के सेवा के लिए भरभड़ करते रहते हैं और हमने यहाँ देखा कि यहाँ के किसानों को आज इस कड़ाकड़ाती ठंडक में कंबल की जरूरत है। तो हमारे उन्नाव में कई तहसीलों में कार्यालय भी हैं हमारे, तो मुनारे और बिट्टो और माता प्रसाद तमाम लोग यहाँ के पदाधिकारी हैं। अभी हम जो भौरेश्वर रोड पर कार्यालय बना है वहाँ भी कंबल वितरण करा के आए हैं। यहाँ हमने देखा तो मुनारे से हमारी बात हुई फ़ोन पर, हमने कहा आज बांट दो, यहाँ भी ठंडक बहुत है। तो ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए हम लोग रात दिन एक किया करते हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी रायबरेली में हमारे लोगों ने कंबल बांटा, लखनऊ में दो जनवरी को हजारों की संख्या में हमने कंबल वहाँ बांटा है। अभी यहाँ बांटने के बाद आबाद तो नहीं समय है, अभी एक उन्नाव और रायबरेली बॉर्डर पे कंबल और वितरण करना है। 400-500 कंबल वहाँ पहुँच चुके हैं, कुछ कंबल तो पावर वावर नहीं, हम तो किसान हैं। अमर सिंह लोधी लखनऊ मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक, लखनऊ में निवास है हमारा, ग्राम साले नगर, थाना आसियाना, तहसील सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ के हम निवासी हैं। और हमारे साथ तमाम लोग हमारी टीम के रात दिन संघर्ष करते रहते, लक्ष्मी नारायण लोधी हैं। अच्छा, आज ये सुब्बा खेड़े मोड़ में आना किसके माध्यम से यहाँ पे हुआ है? यहाँ तो यहाँ पदाधिकारी भाई, जिला उपाध्यक्ष मुनारे हैं, तहसील उपाध्यक्ष बिट्टो जी हैं, तमाम इनकी टीम से लोग हैं, जिला अध्यक्ष माता प्रसाद लोधी हैं, पूनम जी हैं, तमाम पदाधिकारी हैं। हम किसी गुस्से नहीं, जहाँ हमारी ज़रूरत होती है हमारे लोग बुलाते हैं, हम लोग पहुँच जाते हैं और जिस तरह से बुलाते हैं उस तरह से पहुँचते हैं। आज यहाँ हमने देखा कि यहाँ वास्तव में ज़रूरत है कंबल की, तो हम लोग आ गए। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।